सूरदास हिंदी साहित्य आकाश के अप्रतिम सूर्य हैं। भक्ति साहित्य में इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इन्होंने सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सरावली तीन ग्रंथों का प्रणयन किया है। सूर सागर में उनकी विशिष्ट एवं श्रेष्ठ भजन का समाहार हमें देखने को मिलता है। सूर के साहित्य में श्रृंगार भक्ति एवं वात्सल्य की त्रिवेणी प्रवाहित है, लेकिन यहाँ सूरदास ने भ्रमर गीत से संबंधित पद की प्रस्तुति दी है। पद में उद्धव जी मथुरा से गोकुल में आए हैं, गोपियां ग्रामीण है, गवारू है, उनसे बात नहीं करना चाहती। उसी समय एक भंवरा उड़ता हुआ आता है, तो भंवरे के ब्याज से वे उनसे बातें करती हैं और कहती हैं, उद्धव तू हो अति बड़भागी, हे उद्धव जी आप बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, अपरस रहत स्नेह तकाते नाहिन मनय अनुरागी, आप स्नेह के बंधन से बिल्कुल अछूते हैं और आपके मन में अनुराग नाम की कोई व्यथा नहीं है, आपका मन अनुरागी नहीं है। गोपियां समझाती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार पुरैन अर्थात कमल, जिस प्रकार कमल का पत्ता पुरैन पात जौ के अंदर रहता है, लेकिन उस पत्ते पर जौ का दाग नहीं उभरता, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि पत्ता पानी से भीगा हुआ है। कमल का पत्ता जल में रहने के बावजूद भी जल से बिल्कुल अछूता रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी जल में डुबो दी जाए तो उस पर जल का एक बूंद भी नहीं ठहरता, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उद्धव जी उनसे अछूते हैं और उनके मन में अनुराग नाम की कोई भावना नहीं है। लेकिन गोपियों की स्थिति ठीक उनके विपरीत है। गोपियां ऐसा महसूस करती है कि यमुना तट पर बंसी वट पर सुकुमलांगिनी गोपिकाओं के साथ नाना विध छिड़खानियां करने वाले ताता थैया, यशोदा के छैया, रास के रचैया, बंसी बजैया महाप्रभु श्री कृष्ण अपनी सुरीली बंसी बजाकर गोपियों का चित चुराकर मथुरा चले गए और उनकी